बड़ी सेक्सी लुक है गाइस इसकी। 8-10 लाख का काम तो भैया वो कराना ही कराना है। बंदा यार अकेले सुधरा पे ना धक्का मार रहा है। ये 15-20 हजार का आया था ये लीवर प्रोटेक्टर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप के सभी बढ़िया होगे, मस्ती में चौकस हो। गाइस आज का मौसम है बड़ा सुहाना, सो मैंने सोचा आज एक राइड मारते हैं भाई सिदरा की। देखते हैं भाई आज सिदरा पे कौन कौन मिलता है। यार इसको क्या हुआ? मेरे कोई नोन में नहीं है, लेकिन यार पूछते हैं क्या हुआ। बंदा यार अकेले सिदरा पे ना धक्का मार रहा है, पता नहीं क्या हुआ। देखते यार क्या हुआ। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? करो स्टार्ट करो। होती है पर देखो। चलाओ चलाओ। बंद हो जा रही है। पेट्रोल है? पेट्रोल है? एक बार चेक करो, फिर से चेक करो। अभी डाला है। ये साथ में तुम्हारे? चलो हम ले चल रहे हैं आगे तक। थोड़ा सा धक्का लगाओ गाड़ी को। उस साइड हो थोड़ा। चलो चलो इसको खोलो, इसको खोलो। चलो थोड़ा इधर ही को चलना, उधर नहीं जाना। चलो। सो गाइस भाई अपन को रेंडमली मिला, परेशान हो रहा था बेचारा अकेले। इधर पे कोई ना शॉप मिलती उसको ना कुछ मिलता। मैंने सोचा भाई हेल्प कर दे बंदे की, तो भाई अभी ले आते हैं इसको कोई नियर बाई मैकेनिक शॉप पे। बंदा कहाँ तक यार धक्का मारेगा यहाँ पे यार, कोई हेल्प नहीं करेगा, हेल्प के लिए कोई नहीं रुकता यहाँ पे यार। और ये हाईवे है तो और ही। इधर पे एक मैकेनिक की शॉप है, इधर पे ये ब्रिज की उस साइड को, अगर कराना चाहो तो इधर पे करा लेना। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं मेरी जान। ठीक, आराम आराम से जाना साइड साइड से। हाँ तो गाइस मैं भी आया था पिट स्टॉप पे, तो पिट स्टॉप पे जैसा कि आपने देखा ईशान भाई मिले हमें। ईशान भैया से भाई काफ़ी पहले की फ्रेंडशिप हो रखी है। मैं जब आया था ना यहाँ पे जम्मू में, तभी भैया मिले थे। भैया का नेचर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, जैसा जीड़ा सर का था ना वैसे ही भैया का है। बिल्कुल हम्बल है, मतलब कि मतलब इतना फ्रेंक है कि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम मिले हम भैया से, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, बहुत पहले से जान रहे हो भैया को, है ना भैया। तो आज भैया की गाड़ी आई है नीचे, मतलब ऊपर थे ना अभी हम लोग, तो ऊपर हो रही थी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो भैया नीचे ले आए हैं बाइक। भैया को जाना है अपनी ऑडी में। ऑडी देख रहे हो भैया की, वो खड़ी है। बड़ी सेक्सी आवाज़ है इसकी और बड़ी सेक्सी लुक्स भी है। अभी भैया की बाइक का थोड़ा बहुत रिव्यू लेते हैं भाई। सो गाइस ये है ZX10R, बड़ी सेक्सी लुक है गाइस इसकी। ये आपने ली थी तो कितने की पड़ी थी आपको? अभी यार इस समय अराउंड अभी तक 22 लाख रुपए की पड़ चुकी है। 22 लाख नहीं, अभी 23 हो गए। नहीं आपने जब ली थी तो मतलब ऑन रोड 21 के करीब। 21 और 21 के बाद आपने अभी तक कितना खर्च कर दिया इस पे? हो ही रहा है अभी तक लगभग कितना किया होगा? 3.5 लाख। 3.5 लाख का क्या क्या लगवाया अभी आप? 4.5-4 लाख रुपए का इस देख रहे हो। 4 लाख का भैया क्या क्या लगवाया अभी आपने, कुछ बताओगे? मैंने जो भी लगवाया ना इसमें सब बताऊंगा। वो पैसे वो कम में भी हो सकता था, लेकिन फंडा ऐसा है कि मुझे चीजें चाहिए होती है ब्रांडेड। ब्रांडेड जो भी आइटम लगी है इसमें सब ब्रांड है। अच्छा अच्छा जी। के हमारे लिवर प्रोटेक्टर्स लगे। ये कितने का लगवाया था भैया आपने RNG का? मैंने पैसे पूछे नहीं यार। अच्छा अच्छा, लगभग अप्रोक्स आसपास कुछ 3-4 ये होगा यार मेरे हिसाब से 15-20 शायद इतना होगा। 15-20 हजार ये 15-20 हजार का आया था ये लीवर प्रोटेक्टर। इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 300 टच हो जाती है। अभी आपने 300 टच करी है? मैंने नहीं करी, मैंने 240 तक भैया गए अभी। मतलब कि अभी भैया ने कुछ चेंजेस कराए थे भैया बता रहे थे, मैं सुन रहा था। उसके पहले ना भैया पहले 200 के आसपास चलाई, भैया ने कुछ चेंज कराया था उसके बाद 50 के ऊपर गए। कितना मतलब क्या चेंज कराया था आपने, कुछ बताओगे? कल इसमें इंस्टॉल करवाए थे विंगलेट्स। अच्छा अच्छा विंगलेट्स, इससे बहुत मतलब बहुत कुछ बड़ा। अच्छा फोर्स बढ़ गई है फिजिक्स से। अच्छा अच्छा, नीचे ही रहती है बाइक। अच्छा एक बार होता ना ऐसे लगता है कि बाइक फूट जाएगी। हाँ हाँ, तो इससे फर्क पड़ता है। अच्छा ये भैया इसका प्राइस क्या लगवाया था आपने? ये है 35,600 के प्यूक ब्रांड के विंगलेट्स, लगभग 36,000 के पड़े ये भैया को, भैया ने ये लगवाया। और भैया विंगलेट ये हो गया, और कुछ क्या क्या चेंज कराया अभी आपने इसमें? हमारे RNG के ही फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं। ये देखो गाइस RNG के फ्रेम स्लाइडर है। इसका कॉस्ट कितना है लगभग?
यार सच बात बताऊं भैया ने अभी तक ना किसी चीज का वो भैया ने रेट नहीं पता किया, सीधा गए होंगे भैया और डलवाते गए होंगे ये भी डाल दो ये भी डाल दो ये डाल दो, पूरा सीधा पे वो बिल बना 3-4 लाख का। यही सुख होता है कि उसमें कोई नेगोशिएबल नहीं कर रहे। ठीक ठीक ठीक, उसमें क्या तो अभी इसकी ना सीट का लगा है, ये स्टॉक बाइक है ना तो इसमें अभी साइलेंसर भी भैया चेंज कराएंगे कुछ टाइम बाद, और ये सीट का लगाया है तो अभी भैया ने सीट ऑर्डर की है इसकी, सीट बुरान भैया लेने गए हैं, फुट पैक्स भी आ गए हैं, वो लगभग कितने का होगा कुछ बता सकते हैं? हमें 2 बार मंगानी पड़ी है क्योंकि पहली जो मंगवाई थी वो ओरिजिनल कावासाकी से ली थी। अच्छा अच्छा 50,000 की। अच्छा बट वो हमारे भाई साहब हैं पीछे जो खड़े हैं, देखिए दिखाइए इन्होंने कर दी थी खूब। ओ शेट भैया बड़ा नुकसान किया है भैया ने तो यार, लेके जा रहे थे और भैया ने सीट फेंक दी। ओ तेरी मंगवाई है बट वो 35,000। अच्छा अच्छा सेम कावासाकी। तो भैया सीट और प्लस ये फुट पैक्स 50,000। ओहो भाई देखा जाए अभी हमें सीट आप फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्जॉस्ट का कौन सा लगवाओगे आप? एग्जॉस्ट एरो का लगवाएंगे भैया। और क्या क्या सोचा आपने अभी? कार्बन फाइबर हो जाएगा। अच्छा पूरी चेसी है कार्बन फाइबर हो जाएगी। अच्छा अच्छा ये पूरा ना कार्बन फाइबर से रैप करा दोगे आप? रैप नहीं होती चेसी है, चेसी खुलती नहीं है ना, तो क्या होगा इस प्रकार? ऊपर कार्बन फाइबर के कवर आते हैं। अच्छा अच्छा जो कि शायद 2-2.5 लाख रुपए के। ओहो मतलब कि भाई पूरा पूरा 8-10 लाख का काम तो भैया को कराना ही कराना है। तो गाइस जितने की बाइक है उससे हाफ तो भैया और उसमें ऐड करा देंगे, देख रहे हो? अभी ये रेडिएटर ग्रिल ये है ना हमने 2 लगाई हैं इसमें। ओह पूरी बाइक में ना सब कुछ भाई ब्रांडेड ही ब्रांडेड है, और ये ब्रांड चेक करो द बिग डील। गाइस आगे जो जो होगा इसमें जो जो मॉडिफिकेशन होगी भैया आपको सब बताते आएंगे, भैया के भी चैनल चेकआउट करो। हमारे इसके लिए इंजन केस का कवर मंगवाया हुआ है। अच्छा ये कार्बन फाइबर मंगवाया हुआ है, आगे स्पूल्स लगने हैं। ओहो बड़ा खर्चा होना है अभी तो, मतलब खर्चे पे खर्चा खर्चे पे खर्चा। तो भैया का तो सीधा सा वो है कहने का मतलब कि मन नहीं भरेगा, जो पसंद आता जाएगा भैया इंस्टॉल कराते जाएंगे, ये भी करो हमारी बाइक में ये भी करो। अभी गाइस चेक करना कुछ टाइम बाद, भैया ने अभी तो खैर H2 बुक कर दिया लेकिन उसकी वेटिंग है, तो सेप्टेम्बर के आसपास भैया के पास H2 होगी। और भाई सबसे मेन चीज़ बताते हैं भाई चैनल अपनी साइड, लेकिन भैया का जो नेचर है ना वो सच में मेरे हार्ट टचिंग नेचर है। नहीं भैया सच में भैया जो चीज है वो जेन्युइन बता रहे हैं हम आपको मिले ना हम क्या बताएं अब आपको, हम बड़े जम्मू में बड़े लोगों से मिले लेकिन आपका एक जेड़ा सर का दो बंदों का मैं नेचर ना एक अलग ही लेवल पर मिला। सो गाइज ये स्टॉक साउंड है, अभी बारिश भी अभी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, तो क्या प्लान है भैया फिर निकलना है फिर? अभी रुके नहीं यार बारिश, मैं मन नहीं कर रहा इसको छोड़ने का। भैया का दिल लग गया इससे। सो गाइस काफ़ी गपशप लगाने के बाद इसी के साथ निकलते हैं अपने घर की साइड को, क्योंकि अभी बारिश रुक चुकी है। क्या भैया